हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय चैनल एक्सेल ट्यूटोरियल्स। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू यूज समिफ विद वाइल्ड कार्ड करेक्टर, यानी कि आप समिफ के साथ वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि हमें वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज कहाँ करना, कहाँ जरूरत पड़ती है और क्यों जरूरत पड़ती है। तो पहले हम ये समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेटा बनाया हुआ है। अगर आपसे बोला जाए कि मुझे इस आइटम वाली लिस्ट में से प्रोडक्ट ए का सम निकाला जाए, तो आप सोचोगे प्रोडक्ट ए का सम कैसे निकाल सकते हैं हम। तो आप उसके लिए एक सिंपल सा है, आप फिल्टर लगाओगे, फिल्टर लगा के आप प्रोडक्ट ए सिलेक्ट करोगे, फिर उसका सम निकाल के फिर आप एक इस तरीके से कर सकते हो। पर इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको मैं 10 प्रोडक्ट दे दूं, मैं आपको 10 प्रोडक्ट में आप पूरा दिन लगा दोगे, आपको पूरा दिन तो नहीं, आप 3-4 घंटे लगा दोगे उसके अंदर। या आपको मैं बोल दूं आपको इसमें खाली टेंट का निकालना है या स्पेसिफिक एक नाम का निकालना है, तो आप उसमें भी आप टाइम लगाओगे। पर हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड सम के साथ, हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज करके हम इसको इन्हें जिफी हम निकाल सकते हैं रिजल्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे निकाल सकते हैं और कैसे आप वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज कर सकते हैं सम इफ के साथ। तो आपको ये पता है कि हमें फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम इज़ इक्वल टू यूज करते हैं, इज़ इक्वल टू सम इफ। अब ये रेंज पूछ रहा है, मैंने रेंज सेलेक्ट करी। अब उसके पास क्राइटेरिया पूछ रहा है, ये इन्वर्टेड कोमा। अब यहां पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ए स्टार, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर है ये। इसका मैं आपको यूज समझाता हूँ कैसे करते हैं, ये कैसा, ये इस फॉर्मूले में इसका यूज कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ अभी। सम रेंज ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये देखिए आ गया रिजल्ट 298 इन ए जिफी, आपका रिजल्ट आ गया। अब प्रोडक्ट बी समिफ, हमने रेंज सेलेक्ट करी, यहां पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट अब स्टार हमने पीछे क्यों लगाया और स्टार का यूज क्या है। स्टार का हमारा यूज, स्टार मल्टीपल करेक्टर को स्किप करता है, यानी कि उनको काउंट नहीं करता है, उनको हटा देता है। अब मैंने यहां पे प्रोडक्ट बी लिया है, यानी कि प्रोडक्ट बी के बाद जो भी करेक्टर है उनको ये काउंट नहीं करेगा, ये वहीं तक सर्च करेगा। अगर आप स्टार आगे लगा देंगे तो उससे जहां से प्रोडक्ट, जहां से टैक्स का नाम स्टार्ट हो रहा है उसके आगे के जितने भी करेक्टर है तो वो हट जाएंगे। तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप स्टार को आप कैसे आगे यूज कर सकते हैं और दो स्टार को आप कैसे यूज कर सकते हैं और पीछे कैसे, पीछे तो आप अभी देख ही रहे हैं। स्टार लगा दिया हमने, इन्वर्टेड कोमा, एक मिनट, इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद ये सम रेंज ब्रैकेट, एक मिनट, यहां पे कुछ गड़बड़ होगी है, ये आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। देखिए यहां पे मैंने स्पेस नहीं दिया था, आपको इन छोटी छोटी चीजों का फॉर्मूले पे ध्यान रखना है अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको इससे रिजल्ट में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको दिक्कत आएगी। अब हम प्रोडक्ट सी का निकालते हैं, समिफ रेंज सेलेक्ट करते हैं हम, उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट स्पेस सी स्टार, इसके बाद रेंज बताएंगे हम ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए ऐसे प्रोडक्ट डी का निकालते हैं हम, समिफ
रेंज समीफ समीफ रेंज प्रोडक्ट टी रेंज ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए हमने सिंपल सा स्टार पीछे लगा के निकाल लिया। अगर हम अब हमें अगर टेंट का निकालना हो तो हम टेंट का कैसे निकालेंगे? अभी तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि पीछे का हो गया, पीछे का हमने स्टार लगाया तो पीछे का करेक्टर यूज नहीं होंगे। अब टेंट का निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज यूज करेंगे, समीफ रेंज कोमा, यहां पे हम टेंट आगे लगा स्टार आगे लगा देंगे, इनवर्टेड कोमा रेंज ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए हमने स्टार आगे लगा दिया तो यानी कि जो टी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है टी ई एन टी टेंट, उसके आगे के जितने भी करैक्टर हैं, ये जितने भी करैक्टर हैं ये स्टार लग गया तो इसलिए काउंट नहीं होगा, ये खाली आपका टेंट काउंट होगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, समीफ रेंज सेलेक्ट करिए आपने, स्टार यहां लगा दें, स्टार्टिंग में स्टार लगा दें, फिर उसके बाद आप बैकपैक, फिर दोबारा स्टार लगा दें, फिर रेंज ले लें, अब आगे पीछे स्टार लगाने से होगा क्या, आगे पीछे स्टार लगाने से आपका ये फाइंड फॉर्मूला बन जाएगा। आप कंट्रोल एफ करके फाइंड करते हो, आपको दिखाता हूं मैं, आप यहां पर कंट्रोल एफ करके फाइंड करते हो तो फाइंड हम टेंट करते हैं, जैसे जैसे हम अभी बैक पैक ले रहे हैं तो बैक पैक कर लेते हैं हम। ये देखिए ये खाली बैक पैक को दिखा दिया इसने, यहां यहां पे यूज हो रहा है, ये आगे की वैल्यू काउंट नहीं कर रहा, पीछे की वैल्यू काउंट कर रहा है। सेम चीज ये इस फॉर्मूले में सेम चीज वही है, हमने स्टार आगे लगा दिया स्टार पीछे लगा दिया, अब तो खाली ये बस जो हमने रेंज सेलेक्ट करी थी उसमें खाली बैक पैक फाइंड करेगा और उसका रिजल्ट आपको फाइंड करके दे देगा। आपके अकॉर्डिंग है, आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग आप स्टार आगे भी लगा सकते हैं पीछे भी लगा सकते हैं, आप दोनों स्टार लगा के काम कर सकते हैं, पर मैं आपसे मैं आपको रिकमेंड दोनों स्टार करूंगा कि आप आगे भी स्टार लगाएं पीछे भी स्टार लगाएं। इससे क्या होगा, आपकी आगे की वैल्यू एक्स्ट्रा काउंट नहीं होगी और पीछे की वैल्यू एक्स्ट्रा काउंट नहीं होगी, जो आपको रिजल्ट चाहिए आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अब हम अभी तो हमने ये बात करी थी टेक्स्ट के ऊपर, अगर हमें न्यूमेरिकल पे निकालना हो, जैसे मेरे यहां पे दूसरा डेटा है प्रोडक्ट वन टेंट, अब हमें यहाँ खाली बोल दिया जाए कि आपको वन जो वन वैल्यू है जिसका कहते हैं प्रोडक्ट वन है वो वन का निकालना है, टू का निकालना है, थ्री का निकालना है, फोर का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सेम वही तरीका है निकालने का, कोई अलग तरीका नहीं है कि टैक्स के लिए अलग है या न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए अलग फॉर्मूला यूज होना है या अलग से कुछ होना है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम यूज तरीका है। समीफ रेंज हमने सेलेक्ट करी, कोमा इन्वर्टेड कोमा वन कोमा ब्रैकेट क्लोज, ओ सॉरी मैं स्टार नहीं लगाया, ये देखिए। पर आपको इसमें ये ध्यान रखना है, देखो मैंने क्या करा इसके अंदर, नई चीज नहीं, यहां पे मैंने दो जगह स्टार यूज करे हैं, एक आगे भी और पीछे भी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि मुझे आगे की वैल्यू हटानी थी और पीछे वाली वैल्यू दोनों वैल्यू हटानी थी, मुझे खाली स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक वर्ड के थ्रू रिजल्ट चाहिए था मुझे, तो उस केस में हम वन का यूज करेंगे। अब ऐसे सेकंड का निकालना हमें, समीफ रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद सेकंड
फिर दोबारा स्टार सेलेक्ट करेंगे, रेंज कोमा, ये देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया, है ना बिल्कुल सिंपल और आसान। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी और आपको इजी भी, आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। आपको आपने फेस भी करी होगी सेम प्रॉब्लम ऐसी, तो आपको याद आ गया होगा कि यार ये उस टाइम पे मैं कर सकता था। अगर अब आपके पास ऐसा डेटा है तो आप कर लेंगे, अब ये नहीं होगा कि यार मेरा डेटा आ गया अब मैं टेंशन हो गया यार अब कैसे करूंगा मैं, तो आप वाइल्ड कार्ड का यूज करके बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, हम थ्री का निकालते हैं, समिफ रेंज सम रेंज ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये देखिए इधर सेम वैसे निकालेंगे, समिफ समिफ ये रेंज सेलेक्ट करी मैंने, ब्रैकेट क्लोज करा और ये देखो ये छोटी चीज का आपको ध्यान रखना है आपको। अब ये देखिए मैंने यहां पे पहले आगे स्टार नहीं लगाया था, मैंने लास्ट में स्टार नहीं लगाया तो ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज हो रहा है ये रिजल्ट निकालने में। अब मैंने पीछे भी स्टार लगा दिया, अब खाली में खाली फोर को सर्च करेगा इसमें से और रिजल्ट निकाल देगा, ये है ना बिल्कुल सिंपल और आसान। अब ऐसे ही हम सेम इस केस में करेंगे, समिफ रेंज समिफ रेंज प्रोडक्ट वन स्टार कोमा आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि कहां पे आपका स्पेस है कहां पे आपका स्पेस नहीं है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कैसे वाइट कार्ड करेक्टर का यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान है, आप इसको वीलुकअप के साथ यूज कर सकते हैं, काउंट फॉर्मूले के साथ यूज कर सकते हैं और सब के साथ आपको मैंने बता ही दिया, है ना बिल्कुल आसान और सिंपल। आप इन्हें जिफी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आपको फिल्टर लगाने की या आपको मैन्युअली काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपने सबमिट लगाया, रेंज सेलेक्ट करी, प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, स्टार लगाया, वाइट कार्ड करेक्टर का यूज करा आपने, कोमा वैल्यू सेलेक्ट करी, सम रेंज सेलेक्ट करी, रिजल्ट आपके सामने, इन्हें जिफी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए, या आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है excel tutorial563@gmail.com और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।